नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। जहां एक और प्रशासन के आदेशों पर नगर निगम कर्मचारियों को बिना मास्क लगाए दुकानदारों के चालान काटने को कहा गया, तो वहीं दूसरी ओर इन कर्मचारियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये मार्केट में उस समय देखने को मिला जब कुछ निगम के कर्मचारी दुकानदारों के चालान काटने पहुंचे। नगर निगम कर्मचारियों ने दुकानदारों के मास्क वाले चालान काटने की बजाय धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद आसपास के दुकानदारों ने इकट्ठे होकर निगम कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की और उनका कड़ा विरोध किया। इसके उपरांत निगम कर्मचारी वहां से बिना कुछ बोले बेरंग लौटते हुए नजर आए। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि निगम कर्मचारियों ने दुकानदारों का चालान काटने की बजाय उल्टा उनको धमकाना शुरू कर दिया। बता दें कि हुड्डा की 17 मार्केट में अकेली महिला अपनी दुकान पर बैठी हुई थी कि निगम कर्मचारी पहुंच गए तो महिला ने कहा कि वो दुकान पर अभी अकेली बैठी हुई है तो मास्क लगाने का औचित्य ही नहीं बनता, लेकिन कर्मचारी थे कि इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। देखते ही देखते आसपास के दुकानदार वहां इकट्ठा हो गए और निगम कर्मचारियों का चालान काटने का विरोध करने लगे। जब इस बारे में चालान काटने आए सैनिटरी इंस्पेक्टर नगर निगम से पूछा गया कि आप किन किन नॉर्म्स के तहत चालान काटते हैं, तो कर्मचारी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चलते बने। जहां एक और दुकानदार पहले से ही मंदी की मार झेल रहे हैं, तो वहीं पर मास्क के नाम पर चालान काट कर तानाशाही की जा रही है। लेकिन वही भारी भरकम भीड़ में ना तो नगर निगम चालान काटता है और ना ही पुलिस, इन सब की मार आम आदमी झेल रहा है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। देखो, हम चालान करो बेटा, हम शासन के साथ हैं, मगर एक नजायज चीज करना, आप ये नजायज है बाजार के अंदर मेरे साथ के अंदर कम से कम कितना भीड़ है, यहाँ एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले की मार्केट है। आप हम ये नहीं चाहते, हम कहते हैं चालान करो, हम प्रशासन के साथ है, मगर नजायज प्रशासन करे हमारे साथ तो हम उसके बरखिलाफ हैं। हम तो ये चाहेंगे, विरोध करेंगे कि जो हमारे साथ नजायज हो रहा है, हम ये आप हमारे जो प्रधान बैठे हैं उनको भी हम ये कंप्लेंट पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो मार्केट है, चंद छोटी सी मार्केट के कुछ तंग करने के लिए यहाँ प्रशासन आता है, बस हमारी तो यही आप प्रशासन से ही है। हम प्रशासन से विरुद्ध नहीं है, हम प्रशासन के साथ हैं, मगर प्रशासन हमें तंग करना चाहेगा तो हम जो है जो उसके बरखिलाफ, क्योंकि हम पब्लिक है, पब्लिक से गवर्नमेंट बनती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अब ये देखो, वहाँ छिछरौली से होके आया मैं, वहाँ सड़क के ऊपर जिम्मेदारों ने जाम लगा रखा, जाम इतना बड़ा जाम था कि मैं गांव से होके खेतों में गया, अपने गांव से खेतों में, गांव से होते हो गया, वहाँ प्रशासन नहीं है क्या? छिछरौली हमारा एरिया पड़ता है, जमुनानगर एरिया है, जगाधरी एरिया है, वहाँ आप जाके क्यों नहीं चालान करते? प्रशासन को कहो, वहाँ पर भीड़ बैठी है, उनको छेड़ते नहीं है, जिम्मेदारों को क्यों नहीं छेड़ते? जिम्मेदार तो होगा उनसे रेड में सीन हुई है, कभी हमने तो मास्क नहीं डाल रहे हैं, उनके चालान करने हैं, तो अभी जैसे हम यहाँ पर आए थे चेक करने के लिए, उन्होंने मास्क नहीं डाला हुआ है, तो हमने उनका चालान करने की कोशिश करी, बट उन्होंने अपोज किया इस चीज़ के लिए और हमसे मिसबिहेव भी किया है कुछ लोगों ने कि आप मास्क का चालान यहाँ क्यों कर रहे हो, दूसरी जगह भी जाके करो। बल्कि ऐसा नहीं है, जो ये मार्केट है यहाँ पे भी कोरोना हो सकते हैं, कोरोना भी बायस नहीं है कि आप यहाँ नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, कोरोना कहीं नहीं हो सकता। और पिछले तीन दिनों से पिछले तीन दिनों से जो है नगर निगम पूरे शहर में ही अभियान चला रहा है, जो जिन्होंने मास्क नहीं डाले उनके चालान किए जा रहे हैं। ये नहीं है कि 17 की मार्केट है, कहीं भी है यमुनानगर में, कहीं भी कोई भी है अगर विदाउट मास्क है तो उसका चालान किया जा रहा है, बट यहाँ पर जैसे ही हम चालान करने के लिए आए थे मास्क नहीं मिला हमें, और यहाँ पे लोग जो है हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि उनका ये जस्टिफाई दे, ये वो दे रहे हैं, अपना इशू ये दे रहे हैं कि भाई यहाँ सेक्टर 17 में जो मार्केट में कोरोना नहीं हो सकता, यहाँ छोटी सी मार्केट है, आप यहाँ चालान नहीं कर सकते। बात ऐसे आपका क्या पैरामीटर, कितने आदमी आप आए हो, क्या आप खुद सोशल डिस्टेंस में थे? अपना नियम बताओ जरा, अपना नियम बताओ, कैसे आओगे, कैसे चालान करोगे? आप 20 आदमी आए हो, अरे डट जा, प्रशासन कोई फर्ज नहीं है।